बजट सेगमेंट में ये होटल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस मतलब कि 100 मीटर्स बिल्कुल फ्रंट में आपको ये होटल दिखने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना वो इनका रिसेप्शन एरिया है। और चलिए आपको रूम टूर करवाते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। ये देख सकते हैं ये है इनका नीट एंड क्लीन बेडरूम। और ये बहुत ही बड़ा सा बेड आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि बेसिकली डबल बेड है, लेकिन तीन लोग भी इसमें आराम से रह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी हूँ मैं बिहार के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले शहर राजगीर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी टाउन में जब भी जाते हैं तो आपको ज़रूरत होती है, चाहे आप विजिटिंग के लिए जाएँ, चाहे आप एग्ज़ाम सेंटर वगैरह हो, तो जब भी आप जाते हैं तो आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे चीप एंड बेस्ट होटल की या फिर एक बजट होटल की। तो आपको दिखाने वाला हूँ राजगीर का बजट होटल। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है राजगीर का रेलवे स्टेशन। राजगीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे विजिटिंग के लिए लोग दूर दूर से आते रहते हैं, हमेशा यहाँ पे घूमने के लिए हमेशा आते रहते हैं। और ख़ास करके अगस्त के बाद तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों यहाँ आने के लिए। तो ये रेलवे स्टेशन है पीछे मेरे, और इस तरफ आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको होटल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर होटल्स की कमी नहीं है, लेकिन जो भी होटल है उनके चार्जेस थोड़ा डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे होटल आकाश जिसका जो चार्ज है वो 500 रुपीज़ है। इधर में है होलीडे इन, यहाँ भी आपको 500 to 600 रुपीज़ में होटल मिल जाएगा। और हर जगह पे डबल बेड अवेलेबल होता है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो एक अच्छा एक बजट में एक अच्छी इम्यूनिटीज़ आपको चाहिए होती है, एक अच्छी फीचर्स चाहिए होती है, तो होटल वेलकम विहार के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ से स्टार्ट होता है वेलकम विहार डबल बेडरूम। मैंने देखा काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे, आपको यहाँ पे एसी रूम भी मिल जाएगा। तो ये है होटल विहार। और जब जैसे आप होटल विहार के आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ आप देख सकते हैं होटल ओम साई राम, ये है होटल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है इनका बोर्ड, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर वगैरह भी देख सकते हैं। ये है इनका मोबाइल नंबर, ये बोर्ड है। और ये है इनका होटल, होटल ओम साई राम, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह भी देख सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा और काफ़ी साफ़ सुथरा होटल लगा मुझे। और ये है सामने में रेलवे स्टेशन, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, या यूँ कहें कि ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने है। दोस्तों राजगीर में जो है ना बहुत ही सस्ते दाम में होटल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ होटल की होती है कि आप होटल में एक होटल रूम ले लीजिए, वहाँ पे 3 से 4 लोग रह सकते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ का जो रूम है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता नहीं होता। तो देख सकते हैं ये होटल ओम साई राम, और इस तरफ है इनका रिसेप्शन एरिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इनका रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर मैनेजर साहब से मेरी बात हुई, अभी वो है नहीं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लीन एरिया है। और ये जस्ट रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस मतलब कि 100 मीटर्स बिल्कुल फ्रंट में आपको ये होटल दिखने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना वो इनका रिसेप्शन एरिया है। और चलिए आपको रूम टूर करवाते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। और एक अच्छे लोकेशन पर यह होटल है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई इसका लोकेशन, और काफ़ी खुला खुला सा एरिया, आप देखिए ना, बिल्कुल खुला खुला सा एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये है उनका पूरा सा, ये उनका सारा रूम जो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना लंबा सा ये आपको फ्रंट में आपको बालकनी मिल जाती है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। बजट सेगमेंट में ये होटल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हैं ये इनका रूम वगैरह है जो चारों तरफ से टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। डबल बेडरूम आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं आपको ऊपर में फ़ैन मिल जाता है, इस तरफ से आपको ओपन विंडो मिल जाता है जो डायरेक्ट ओपन हो रहा है रोड की तरफ। तो एक अच्छा व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये इनका रूम है, देख सकते हैं आप। और इसी तरह से इनका क्यू में बहुत सारे रूम वगैरह बने हुए हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इनका रूम नंबर 1, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अच्छा सा कर्टन। अंदर चलते हैं, ये देख सकते हैं ये है इनका नीट एंड क्लीन बेडरूम।
और ये बहुत ही बड़ा सा बेड आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बेसिकली डबल बेड है, लेकिन तीन लोग भी इसमें आराम से रह सकते हैं। तो ये बेड है, बहुत ही बड़ा सा पलंग आपको देखने को मिलेगा, नीचे मिलेगा कुशन, साथ ही साथ एक सुंदर सी बेडशीट, और यहाँ पे आपको पिलोज़ वगैरह मिल जाते हैं। और इस तरफ यहाँ पे टेलीविज़न के लिए जगह छोड़ा हुआ है, अभी है नहीं लगा हुआ। और ये बिल्कुल एयरी रूम है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी विंडो, तो दोनों साइड में आपको विंडो मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फील कराएगा ये रूम आपको, क्योंकि काफ़ी जो रेलवे स्टेशन है राजगीर का, वो काफ़ी शांत जगह में बना हुआ है और काफ़ी रिलैक्स फील कराएगा आपको। इस तरफ है इनका टॉयलेट, जो काफ़ी लंबा चौड़ा सा टॉयलेट है इनका, यहाँ पे आपको मिल जाता है इंग्लिश टॉयलेट, और ये पता नहीं इंडियन कम इंग्लिश है। और ये बड़ा सा बाथरूम आपको मिल जाता है। तो ये जो रूम है वो अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ में है, और इसका जो प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। दो लोग 400 रुपीज़ में रह सकते हैं, या तीन लोग भी रह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप दो लोग हैं तो आपको यहाँ का चार्ज 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ जाएगा। तो ये एक अच्छी डील लगी मुझे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर होटल वगैरह तो बहुत सारे हैं, लेकिन चार्जेस जो है ना वो यहाँ पे लगभग मिलते ही जुलते हैं, 500 to 600 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे आते हैं। एक होटल विहार है जिसका 800 रुपीज़ नॉन एसी में स्टार्ट होता है, डबल बेडरूम, तो उस हिसाब से मुझे ये होटल ओम साई काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अभी यहाँ पे मैनेजर साहब है नहीं, वरना मैं आपकी बात ज़रूर कराता। आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से, ये देखिए रेलवे स्टेशन, और उसी के फ्रंट में ये रोड है जो बिल्कुल हाईवे में मिल रहा है। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे सारी विजिटिंग प्लेसेस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि घोड़ा कटोरा है, बरहम कुंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे राजगीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ का मोबाइल नंबर और साथ ही साथ एड्रेस, लोकेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं आपको, जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप निकलते हैं आपको दिख जाएगा होटल ओम साईराम, तो आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। या आपकी कोई क्वारीज वगैरह है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये दोनों साइड में बना हुआ है, एक ये साइड में और एक उस साइड में, तो काफ़ी एयरी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी बजट में आ जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पानी वगैरह भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था होटल ओम साईराम का फुल टूर, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।